आज की रेसिपी है तीखा चटपटा एकदम स्पाइसी डिलीशियस और बहुत ही स्वादिष्ट ग्रीन चटनी पुलाव। चटनी पुलाव बनाने के लिए मैंने इस कप से ली है 2 कप बासमती चावल। सबसे पहले चावल को साफ पानी से 2-3 बार धो लेना है। 2-3 बार चावल को धोने के बाद चावल में पानी डाल के आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। चावल को इस तरह भिगो के रखने से चावल एक तो सॉफ्ट बनते हैं और जल्दी कुक होते हैं। चावल को ढक के आधा घंटा भीगने के लिए छोड़ देंगे। चावल को ढक के आधा घंटा हो चुका है, अब चावल को पकाने के लिए गैस पर पानी गर्म रखेंगे। 1 कप से चावल से डबल 4 कप पानी गर्म करने को रख दिया है। पानी गर्म हो गया है, अब हम चावल का पानी निकाल के चावल को इसमें डाल देंगे। अभी हम चावल को 90% ही पकाएंगे, पूरा नहीं पकाएंगे। इसमें डाल दूंगी तेज पत्ता, 4-5 काली मिर्च, 2 इलायची और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच घी। पकाते हुए चावल में घी डालने से चावल एक तो स्वादिष्ट बनेंगे और खिले खिले बनेंगे और सभी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। चावल में डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से भी चावल खिले खिले बनते हैं और सभी को कर लेते हैं मिक्स। और अब चावल को थोड़ी देर लो फ्लेम पे खुला ही पकाएंगे। चावल में पानी आप आपके हिसाब से डालिएगा, कोई कोई चावल में पानी ज़्यादा लगेगा तो कोई चावल में कम भी लग सकता है। चावल को बीच में चेक भी कीजिएगा, चावल को लो फ्लेम पे ही पकने देना है। देख सकते हैं चावल कुक हो रहे हैं और चावल की क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अब हम चावल को ढक के 5 मिनट लो फ्लेम पे और कुक होने देंगे। 5 मिनट बाद गैस को बंद कर देना है और चावल को ढक के ही रहने देना है। घर के बाप से चावल थोड़े और कुक हो जाएंगे और अब हम पुलाव के लिए चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है आधी जूड़ी कोथिंबीर। इसमें मैं कौली कौली कोथिंबीर की काढ़िया भी डाल रही हूँ। थोड़े से डाल दूंगी पुदीने के पत्ते, पुदीना थोड़ा ही डालना है। थोड़ी सी डाल दूंगी अदरक, अदरक को बारीक बारीक टुकड़े करके डालना है। और अब इसमें जाएंगी 4-5 हरी मिर्च, उसको कट करके डालना है। 1 टमाटर को भी कट करके डाल देते हैं। 7-8 लहसुन की कलियां डाल देते हैं। 4-5 आइस क्यूब को क्रश करके डालेंगे। साबित आइस क्यूब डालने से जार की थ्रेड खराब हो सकती है। हम चटनी को मिक्सर में घुमाते हैं तो हीट से इसका कलर थोड़ा काला हो जाता है। आइस डालने से इसका कलर बहुत बढ़िया आता है, इसकी थोड़ी लाइफ भी बढ़ती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। जार का ढक्कन बंद करके इसको पीस लेना है। आपको ऐसे लगा तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इस तरह एकदम बारीक पीस लेना है। आइए अब हम चावल को चेक करते हैं। चावल को चम्मच से इस तरह चावल का एक दाना हाथ में लेंगे, प्रेस करके देखेंगे। चावल परफेक्ट कुक हो चुके हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल और गैस को कर दूंगी चालू और तेल को होने देंगे गरम। तेल गरम होने के बाद इसमें डाल दूंगी 8-10 काजू और काजू को फ्राई करके निकाल लेना है। काजू से हम पुलाव को ऊपर से गार्निश करेंगे। और अब इस गरम तेल में जाएगा 1 चम्मच जीरा, थोड़ा करी पत्ता, 2 मीडियम साइज के प्याज को कट करके डाल देंगे। प्याज को चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लेना है। यहाँ पे मैं और 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। पहले भी चावल में नमक डाले वाला है, नमक डालने से प्याज जल्दी भुने जाएंगे। 1/2 चम्मच डाल दूंगी हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और सूखे मसाले को भी 2 मिनट प्याज के साथ भून लेना है। 2 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे हरी चटनी और इस हरी चटनी को भी अच्छे से भून लेना है, जिससे पुलाव में टेस्ट बढ़िया आएंगी। चटनी को अच्छे से 5-7 मिनट तक भून लेना है। 5 मिनट आप चटनी को ढक के इस तरह लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए। बीच में चेक भी करना है, नहीं तो आपकी चटनी नीचे लग सकती है। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला,
गरम मसाले को भी 2 मिनट चटनी के साथ भून लेना है। चटनी अब रेडी है और अब इसमें जाएंगे पके वाले चावल। पूरे चावल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हम एकदम लो कर लेंगे। पूरे चावल पैन में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यह पुलाव खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई करना और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वाव, आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारा चटनी पुलाव तैयार है। इसको ढक के 2 मिनट लो फ्लेम पे थोड़ा और कुक करेंगे, जिससे पुलाव सॉफ्ट बनेगा। पुलाव को सर्व करेंगे, इसके लिए इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और ऊपर से काजू और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।